अपनो गुजरात ए महिलाओं की सुरक्षा में अव्वल नंबर नो हतो। नारी तू नारायणी आ वात मात्र शब्दों में नहीं परंतु गुजरात में आ व्यवहार में देखाती हती। ए समय हतो ज्यारे कांग्रेस की सरकारों रहती, सवार सुधी दांडिया रस चालता, ए सवार में प्रभातिया गाय ने दीकरीओ छूटी पड़ती एवं पण बनतुं। परंतु ए दरमियान रात्रे बे वागे के त्रण वागे कोई दीकरी दांडिया रास माथी एकली साइकल लईने घेर जती, परंतु एनी सुरक्षा रहती। क्यारे आवा बनावो न जोवा मळता। आजे आपणुं हृदय द्रवी उठे, रोज बरोज एवा समाचारो आवे कि जेनाथी माथुं शरमथी झूकी जाय। शाळामां भणती नानी विद्यार्थीनी बाळकी, एना उपर एज शाळानो आचार्य ये नराधम, एनी नजर बगड़े, पोतानी गाड़ी में बेसारी ने लई जतो होय दीकरीनी, अने एना पर बाळात्कार की कोशिश, अने पछी गळू घोंटीने एने मारी नाखवानो प्रयत्न थाय ने एने मारी नाखवामां आवे। आवी ज रीते रात्रिना समये चाहे वडोदरा होय, चाहे दक्षिण गुजरातना मांडवीनी वात होय, सौराष्ट्र होय के मध्य गुजरात होय, सुरेन्द्रनगरना एक गाममां ठाकोर दीकरीनी वात होय, आ बधी ज बाबतो जोईने कोई पण माणसनुं हृदय द्रवी उठे एवी परिस्थिति पैदा थई छे। कोण छे जवाबदार आना माटे? शुं सरकारनी कोई जवाबदारी नथी? आजे जे रीते भ्रष्टाचारथी भ्रष्ट अधिकारीओने ફિલ્ડમાં રાખવામાં આવે, એમના પાસેથી હપ્તાઓ ઉઘરાવવામાં આવે, ગુંડાઓ છે એમને સીધા ભાજપના સભ્ય બનાવવામાં આવે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધન સંગ્રહમાં મદદ કરો તમને બધું જ કરવાની છૂટ, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે ત્યારે આજના દિવસે આપણા ગુજરાતમાં ગુજરાતની સલામતી માટે સૌ બોલે, સૌ બોલતું થાય, અવાજ ઉઠાવે અને ગુજરાત સરકાર જવાબદારીનો સ્વીકાર કરે, મને લાગે છે કે સમયની માંગ છે, આપણા સૌની પણ એ જવાબદારી છે કે લોકશાહીમાં આખરે લોકો જ મહાન છે અને લોકોનો અવાજ ઉઠે એવી માટેની પણ વિનંતી કરું છું।